नो। क्या बोला तूने? नो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब अस्सलामुअलैकुम, वी आर बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसीब एंड हमजा व्लॉग। और आज है जी ईद उल अज़हा। अभी हम तैयार शार हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं। आओ जी मलंग साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? हिटो, अभी मैं और हमजा जा रहे हैं जी ईद पढ़ने। हमजा भाई के पास आ चुके हैं। हमजा भाई फुल रेडी हैं? आप फुल रेडी हमजा भाई। तो अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी हमारी मस्जिद की। आ जाओ। वैद भी आ रहा है तो वैद को साथ लेके चलते हैं। तो हमारी जो है वो ईद उल अज़हा होगी पूरे सात बजे अदा होगी। तो अभी हम उबैद भाई का वेट कर रहे हैं। उबैद भाई आते हैं तो फिर चलते हैं मस्जिद की तरफ और ईद उल अज़हा पढ़ के फिर हमने कुर्बानी कर ली है। तो उसके सीन भी दिखाएंगे आपको। अभी पहले ईद उल अज़हा अदा कर लें फिर आप लोगों ने कुर्बानी करनी होगी। हमने पहले जाना है कज़न के घर। ठीक है, फिर उधर से वापस आके फिर अपनी करनी है। अपनी फिर बात करनी है। अपनी बात ठीक हो गया। चले जी, वैद भाई भी आ गए। वैद भाई ब्लैक सूट, और मैं भी ब्लैक सूट। क्या बात है वैद भाई? भाई को नमाज़ ईद मुबारक। अभी ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तो वैद भाई बोलते हैं कि मेरे फैंस जो है ना वो मुझे थोड़ा सा याद कर रहे हैं तो मेरी पिक्चर बना दें। तो ये हमारे भाई हैं साकिब भाई, उनका घर बन रहा है तो ये उधर अपनी पिक्चर बनवा रहे हैं। बैकग्राउंड अच्छा आता है यहाँ पर। क्या बोला तूने? बैकग्राउंड अच्छा आता है यहाँ पर। तो ये जी सेटिंग हो रही है, चेक कर सकते हैं। हमजा भाई भी, हमजा भाई 10 मिनट रह गए जमात में, जल्दी जल्दी करें। जरिए भी उलमा मुफ्तियान को पूछा जा सकना, बस नीयत खालिस होवे। अपने उन्हें गरीब संगियां और रिश्तेदार जो कुर्बानी नहीं कर सके उसमें साथे जरूर याद रखना चाहिए। लेकिन एक मेहरबानी करनी, घर चार कर नहीं आना, जिस घर में चावड़ी मेहरबानी करके आप मदरसे घर को जा सको। नमाज चल जाए तकबीरा तो खानका का नहीं करा अपने 6 माह में। तो यहाँ पर हमने जो नमाज ईद वो अदा कर ली और अभी हमजा के अबू को हमने मिले हैं और सारे जो हैं वो दोस्त अहबाब हम एक दूसरे के साथ मिले थे ईद। तो वैद भाई आए और ये हमजा भाई के भांजे हैं जो मुझे मिल रहे थे। तो बाकी सबको मिलते हैं ये चीज़। और हम प्लान बना रहे थे कहीं घूमने का, तो वो भी अभी प्लान बन रहा है कि किधर जाएं। पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम सवात कलाम जाएं और फिर जो है ना वो दोस्त बोलते हैं कि आज़ाद कश्मीर जाएं, लेकिन मेरा जो अपना ज़ाती जो है वो राय है वो हमने सवात कलाम का जो टूर बनाया हुआ है तो एक हमारे दोस्त हैं शुएब भाई वो नहीं आ सकते, इसलिए हम चार हैं, मैं फैसल शाकिर और हमजा भाई, हम चारों ने इरादा बनाया हुआ है कि हम सवात कलाम जाएँगे। तो आज ईद का पहला दिन है और अभी सबसे गले चले मिल के फिर हम निकलेंगे बाहर। तो कल जो है ना कल दूसरा दिन है, सुबह सुबह हमारा प्लान है कि हम सुबह सुबह निकल जाएं सवात कलाम के लिए। तो उधर भी निकलना है, वो भी तैयारी करनी है। बाकी ये हमारे जो है वो इलाके के मायनास कबड्डी मैन है अदील भाई बहुत अच्छी कबड्डी खेलते हैं जी, उनसे भी हमने ईद मिली है। और बाकी जो दोस्त अहबाब हैं उनसे भी मिल के हम जो है वो बाहर निकलेंगे अभी। तो बाकी ये सीन है कि सबसे ईद मिल रहे थे, गले मिल रहे थे, ऐसी कुछ। ये जो है ईद उल अज़हा जो है ना वो सिर्फ कुर्बानी का नहीं बल्कि अपने रिश्तों को जोड़ने का भी त्यौहार है। तो इसलिए सबसे राज़ी रहा करें, सबसे खुशबाश रहा करें, नाराज़गी में कुछ नहीं पड़ा। तो ईद होती इसलिए ताकि जो अपने प्राय रूठे हुए हैं उनको मनाया जाए। तो इसलिए हम भी सबको ईद मिलें, सबको ईद मिल के फिर हम निकलेंगे बाहर। हमजा जो है ताकत
सारा खैर मार आपके दा होगा ना होगा चलो दिन मुबारक खैर मार चाचा मिल गया ना लोंग सरदार भाई दिन मुबारक عبید بھائی میرے طرف سے بھائی بلانگ نہیں ہے بلانگ ہے بلانگ ہے ایک دفعہ عبد المنان بتاؤ کیسے ہوتا ہے کیسے حمزہ اینڈ اسی بلانگ ہم بلانگ کرتے ہیں جناب تلگان سے چلو آ جاؤ یہ ہماری مسجد چلو 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 चलो भाई तो चंगी नहीं उम्र से आए अभी चले जी मेरे बुद्धर ही थे इस रास्ते से जाएंगे ये उस रास्ते से आए थे ना पहले पहले हम उस रास्ते से आए हैं तो अभी कर जाना इस साइड से हम लोग लंबा जाएंगे शॉर्ट नहीं करेंगे इसको ये भी शॉर्ट है ना शॉर्ट करेंगे अभी इधर से आ चुके होंगे ना शॉर्ट जाएंगे और दिल भाई क्या कर रहे हो हमदा भाई आज यार बिलोंग बना रहे हैं बिलोंग बिलोंग और सुना इस दफा कहाँ कटू हो रहा आपका मैच ही है ईद के दिनों में यार ईद के दिनों मैच क्या कबड्डी के कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी ऑल पाकिस्तान कहाँ पे इस दफा इस दफा चकवाल भी खेलना है हाँ इधर तो बहुत मजा आया था भीड़ वाले पिनाड़े पे बस बिल्कुल खेले उधर बहुत मजा आया चले गुड हो गया ये काजी साहब जा रहे हैं काजी साहब अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक और साहब खरीद है अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने जो है वो ईद की नमाज़ हमने अदा कर लिया और मैं और हमजा भाई अभी घर की तरफ रवा दो हैं अभी हमने घर जाना है और पहले क्या बताऊँ कब्रिस्तान जाना है यार अम्मी और अबू की कब्र पे तो वो किस टाइम चले अभी चलें यार अभी मैं तो जा रहा हूँ कुर्बानियों पे अगर आप जाओ आप कुर्बानी पे जाने करो अभी कब्रिस्तान पे जाऊँगा कब्रिस्तान से पहले हाजिर दूँगा अम्मी और अबू की कब्र पे और फिर हम देखते हैं कुर्बानी क्या सीन चल रहा है मामू लोग शुरू हो गए होंगे कुर्बानी के लिए तो जाके देखते हैं क्या सीन है ये जी सारे हमारे दोस्त हैं वो रवा दवाएँ अपने घर की तरफ ईद मुबारक अभी जी मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और चेंज करके हम जा रहे हैं जी कुर्बानी करने के लिए सामने मामू का घर है तो उधर कुर्बानी करते हैं और फिर आगे के सीन दिखाते हैं आपको कुर्बानी के पास सीन दिखाते हैं ये डोडो देखें डोडो क्या कर रही डोडो पानी पीने पियो गर्म है ये जी पहला जो है कुर्बानी का जानवर हमारा जब हो चुका है सारे उम्मीदवार बैठे हुए हैं गोश्त के लिए गोश्त आता है तो सारे उम्मीदवार काटेंगे अपने अपने से का ये जी हमारा गोश्त आ चुका है अभी हम काटने लगे हैं इधर हम रखेंगे सारा गोश्त छोटा छोटा पीसेस में हम काटेंगे और फिर हम चापरों में हम जो है ना इसको बांधेंगे और फिर हम तकसीम करेंगे देखो जी हसी भाई कसाई मैं अकेला हो जाऊंगा
तो जी दो बकरे हमने ज़बह कर लिया और मुकम्मल बना के हमने तकसीम भी तकरीबन कर दी है। तीसरा मामू लोगों ने अभी बकरा गिराया है और ज़बह किया है, तो मैं घर आ गया, उनका फिर थक गया था, काम बहुत ज़्यादा किया है, तो अभी घर आया हूँ, हवा शवा हवा लगवा रहा हूँ, तो थोड़ी देर तक फिर जाता हूँ और उनको काम फिनिश करवाते हैं, फिर निकलेंगे अभी दोस्तों के पास जाएंगे, ईद वगैरह मिलेंगे उनको, उनके दाखिल देखेंगे और शाम के जो बाइक होंगी वो भी आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, तो आपको दिखाते हैं सीन्स। ये जी हम लोग अभी सोने की तैयारी में हैं, पूरा दिन हमारा बहुत मसरूफ़ गुजरा है, ईद पड़ी है, उसके बाद कुर्बानी की है, उसके बाद हम मतलब के रिलेटिव में घूमते रहे हैं और गोश्त की तकसीम की है, सारा गोश्त तकसीम की है, तो बहुत बिजी डे रहा है, काफ़ी थक गए हैं, अभी आज का व्लॉग इधर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।